नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कोल इंडिया का 47वां स्थापना दिवस सीसीएल के बीएनके कटारा एवं डोरी में मनाया गया। इस मौके पर तीनों एरिया के कुल 299 लोगों को पदोन्नति दी गई। बीएनके डोरी एवं कटारा जीएम अपने अपने कार्यालय में कार्यक्रम के शुभारंभ ध्वजारोहण कर किया। इसके बाद कॉरपोरेट गीत गाए गए। कर्मचारियों को पदोन्नति पत्र जीएम के द्वारा दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष में 82 लाख मीट्रिक टन उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने की बात कही बीएनके एवं धोरी जीएम ने कहा कि सीसीएल कोयला उत्पादन के साथ साथ सामाजिक सेवा करने के काम में भी पीछे नहीं है। कोविड-19 के समय में भी सीसीएल ने देश के लिए कोयला उत्पादन किया और जरूरतमंदों को खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाए। आने वाले समय में और भी बेहतर करने का काम करेंगे और अधिक उत्पादन देश के लिए करेंगे। कटारा जीएम ने कहा कि कंपनी व राष्ट्रहित में सबको मिलकर काम करना है। मौके पर पर्सनल ऑफिसर सुरेश सिंह, प्रतुल कुमार, मनोरंजन सिंह, स्टाफ ऑफिसर सिविल सुमन कुमार एवं सतीश कुमार मौजूद थे। से प्रेक्षक प्रकाश की रिपोर्ट। और ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी से, उसके बाद आप लोग अपना अपना मोबाइल में भी आप होंगे, उनको और चेयरमैन साहब और हमारा सीसीएल का मुखिया, मैं आश्वासन भी देता हूँ, हमारा जो सहभागिता है प्रोडक्शन हो सकती है